हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कंपेरेटिव वर्सेस नॉन कंपेरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स कि कौन कौन से स्केलिंग टेक्निक्स है कंपेरेटिव और नॉन कंपेरेटिव के अंदर। टाइप्स ऑफ स्केलिंग टेक्निक्स, तो स्केलिंग टेक्निक्स को मेनली दो कैटेगरीज है, कंपेरेटिव स्केल और नॉन कंपेरेटिव। कंपेरेटिव स्केल जिनमें कि हम कंपेरिजन करते हैं दो चीज़ों के बीच में या उससे ज़्यादा चीज़ों के बीच में, तो इसके लिए चार मैथड्स यूज होती है। फर्स्ट है पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट सम और क्यू सॉर्ट एंड अदर प्रोसीजर। वहीं नॉन कंपैरेटिव स्केल में दो कैटेगरीज होती है, कंटिन्यूस रेटिंग और आइटमाइज रेटिंग स्केल। तो आइटमाइज में भी तीन कैटेगरी है, लिकर्ट स्केल, सीमेंटिंग डिफरेंशियल स्केल और स्टेपल स्केल। तो इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके आप मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है कंपेरेटिव स्केल। कंपेरेटिव स्केल जिसमें कि रिस्पोंडेंट से आप कंपेयर करवाते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के साथ में, इनमें चार कैटेगरीज जो हमने देखी, पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट सम और क्यू शॉर्ट। इन सभी को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है रैंक ऑर्डर स्केल। ये टाइप की मेथड जिसमें कि आप वर्ड से समझ में आ रहा है कि रैंक दिलवाते हैं प्रायोरिटी के बेसिस पे कि आप किसके फेवर में किसके अनफेवर में, तो आप उनको डिस्क्राइब करें। ऑब्जेक्ट के बीच में आपको ऑर्डिनल तरीके से डेटा को आप कलेक्ट करते हैं इसमें, तो इसका जो रिज़ल्ट होता है वो रैंक ऑर्डर में या फिर ऑर्डिनल डेटा होता है, जिसमें कि आप डायरेक्टली कंपेयर करवाते हैं कि आप चीज़ों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखते हुए चीज़ों को ऑर्डर या रैंकिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका क्या प्रेफरेंस होगा कोल्ड ड्रिंक की ब्रांड में, उसके अकॉर्डिंग आपको रैंकिंग देनी है। तो ब्रांड है लाइक कोक, पेप्सी, लिम्का, स्प्राइट, तो यहाँ पर आपने रैंक दिया है, आप अपनी लाइकिंग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंक दे सकते हो। तो यहाँ पर है पेप्सी को फर्स्ट, लिम्का को सेकंड, कोक को थर्ड और स्प्राइट को फोर्थ। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट सम स्केल। इसमें रिस्पोंडेंट को एक कांस्टेंट नंबर या यूनिट या पॉइंट्स दिए जाते हैं, रुपीस दिए जाते हैं, और उनको कुछ क्राइटेरिया दिए जाते हैं, उसमें से उनको उस पॉइंट या नंबर्स में से अलॉट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट के आप प्राइस को इम्पोर्टेंस देखते हैं, उसकी फ्रेग्रेंस को, पैकेजिंग को, क्लीनिंग पावर को, तो कंज्यूमर उनमें से अगर उनको 100 नंबर्स दिए तो वो किस चीज़ को कितने नंबर देना चाहता है वो उसकी मर्जी होती। तो कांस्टेंट सम में वो जितने भी उसको पॉइंट्स, रुपीज़ या नंबर्स दिए जाते हैं उसको वो डिवाइड करता है इंपॉर्टेंस ऑफ एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग। तो इस टेक्निक्स का एडवांटेज होता है कि ये टाइम को सेव कर, और इसका डिसएडवांटेजेस होता है और हो सकता है कि जो भी रिस्पोंडेंट है वो कन्फ्यूज हो जाए। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिटर्जेंट एट्रीब्यूट यूजिंग अ कांस्टेंट सम स्केल। तो इसमें आपको एट्रीब्यूट्स दिया है लाइक प्राइस, फ्रेग्रेंस, पैकेजिंग, क्लीनिंग पावर और लेदर। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आपने असाइन किए, प्राइस इसका 50 आप इसको स्कोर दे रहे हैं, फिर अगर इसकी फ्रेग्रेंस कम है तो आपने इसको 5 दिया है, पैकेजिंग को 10 दिया है, क्लीनिंग पावर अच्छी है तो उसको 30, लेदर को 5। तो ऐसे टोटल जो नंबर होता है इनका वो होता है 100। तो यहाँ पे कांस्टेंट सम में आपको 100 पॉइंट्स मेनली दिए जाते हैं या कितने भी दे सकते हैं, 1000, 10000, उसमें से आपको जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनमें नंबर ऑफ पॉइंट्स को अलॉट करना होता है, जिनका कि जो सम होता है वो 100 होता है। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्यू शॉर्ट स्केल। कंपेरेटिव स्केल होता है जिसको कि रैंक ऑर्डर प्रोसीजर की तरह शॉर्ट ऑब्जेक्ट के बेसिस पर हम कुछ क्राइटेरिया के रिस्पेक्ट में यूज़ करते हैं कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, उसकी क्या मैथडोलॉजी, इसमें आप किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो हम रिस्पोंडेंट से पूछते हैं क्या डिफरेंट रिस्पॉन्स होंगे उनके, स्केलिंग के थ्रू वो रेटिंग प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट स्टेटमेंट को। तो इसके अंदर जो भी रिस्पोंडेंट होता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांड को बहुत अच्छे तरीके से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपने ऊपर पूछा प्रेफरेंस ऑफ मैगजीन यूजिंग क्यू शॉर्ट स्केल प्रोसीजर कि मैगजीन्स का यूज़ देखना है, तो फर्स्ट है प्रेफर मोस्ट, लाइक, न्यूट्रल, डिसलाइक और प्रेफर लिस्ट। तो आपको जिस भी कैटेगरी में आंसर करना है तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना है। प्रेफर मोस्ट तो किस लिए, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं या कौन सी मैगजीन्स हो सकती है, क्या चीज़ें लोग ज़्यादा चाहते हैं, न्यूट्रल, डिसलाइक,
तो आजकल दूसरी चीज़ आ गई हैं तो लोग मैगजीन्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो इस तरीके से आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन कंपेरेटिव स्केल। नॉन कंपेरेटिव स्केल जिसमें कि रिस्पोंडेंट को नीड होती कि वो किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में इवोल्यूशन करता है। ये इवोल्यूशन इंडिपेंडेंट होते हैं अदर ऑब्जेक्ट या रिसर्चर की स्टडीज़ है। तो इसका इवोल्यूशन जो भी रिसर्चर स्टडी कर रहा है उन ऑब्जेक्ट के बारे में होता है। तो इसमें दो कैटेगरीज होती है, कंटिन्यूस रेटिंग स्केल और आइटमाइज रेटिंग स्केल। तो फर्स्ट आता है कंटिन्यूस रेटिंग स्केल। ये बहुत सिंपल और हाईली यूजफुल रेटिंग स्केल होती है जिसमें रिस्पोंडेंट रेट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लेस में कि क्या अप्रोप्रिएट पोजिशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ वुड यू रेट द TV एडवर्टाइजमेंट एज अ गाइड फॉर बाइंग, कि आप TV एडवर्टाइजिंग को कैसे रेटिंग देते हैं। तो अपने कंटिन्यूसली स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री के बीच में आपको उसको रेटिंग देना है। नेक्स्ट आता है आइटमाइज रेटिंग स्केल। ये स्केल नंबर ऑफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एसोशिएट होता है हर कैटेगरीज के बारे में, हर ऑर्डर के बारे में। तो आपको इसमें पोजीशंस देनी है रिस्पोंडेंट को कि क्या लिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरीज है, को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रोडक्ट, ब्रांड, कंपनी और प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट को। तो आइटमाइज रेटिंग स्केल मार्केटिंग रिसर्च में यूज़ होता है। बेसिकली इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, लिकर्ड स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल और स्टेपल स्केल। अब इन तीनों को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है लिकर्ड स्केल। ये पॉपुलर मेजरिंग एट्रीब्यूट्स होता है। ये मैथड सिंपल होती है और इसको ईजीली एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। इसके अंदर रिस्पॉन्डेंट इंडिकेट करता है क्या उसके एट्रीब्यूट है, कैसे वो स्ट्रांगली किसी भी चीज़ को लेके एग्री करता है डिसएग्री करता है। वो केयरफुली उन स्टेटमेंट्स को देखता है, उनकी रेंज को देखता है, क्या बहुत पॉजिटिव है क्या बहुत नेगेटिव, किसी भी एटीट्यूडनल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिस्पोंडेंट को जनरली इसमें 5 या 7 अल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं, उसमें से उसको चूज़ करना होता है कि वो स्ट्रांगली एग्री है, न्यूट्रल है, डिसएग्री है, स्ट्रांगली डिसएग्री है। तो लिकर्ड स्केल में नंबर ऑफ आइटम या स्टेटमेंट्स होते हैं, आपको उनमें से चूज़ करना है। तो एग्जाम्पल ऑफ लिकर्ड स्केल, रेट योर एक्सपीरियंस अबाउट यूजिंग अवर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस है, वेरी अनसेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड। तो आपको इनमें से चूज़ करना। अगर आप बहुत अच्छी पैकेजिंग है तो आप लिखेंगे सेटिस्फाइड या वेरी सेटिस्फाइड। कुछ उसमें अच्छा नहीं पसंद आया, फॉर एग्जाम्पल कुछ लिक्विड था, लीकेज हो गया, तो आप वेरी अनसेटिस्फाइड। तो लिकर्ड स्केल का डिसएडवांटेजेस होता है कि हर बार आपको क्वेश्चन को रीड करना है और आंसर करना है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट आता है सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। इसमें 7 पॉइंट रेटिंग स्केल होता है जो कि एंड पॉइंट एसोशिएट होते हैं बाइपोलर लेबल्स के साथ में, लाइक गुड, बैड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। तो इसका सेमेंटिक का मीनिंग होता है कि आपको 2 ऑप्शंस है जो कि रिस्पोंडेंट पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड में से किसी को चूज़ करते हैं, उनके बीच में से चूज़ करते हैं। तो इनमें आप ब्रांड को कंपेयर करने के लिए, प्रोडक्ट या कंपनी की इमेज के लिए इसका यूज़ करते हैं। और जब भी एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन की स्ट्रेटेजी को डेवलप करना है, नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की स्टडी करना है, तब इस मेथड का यूज़ होता है। तो सेमेंटिक डिफरेंशियल स्किल, जैसे कि प्लीज़ रेट योर मैनेजर ऑन दी फॉलोइंग थ्रेड्स। तो स्ट्रॉन्ग या वीक में से आपको देना है, डिसेसिव, इनडिसेसिव, फेयर, अनफेयर, एक्टिव, पैसिव, चेयरफुल और अनचेयरफुल। तो आपको इनमें से चूज़ करना है। तो सेमेंटिक डिफरेंशियल स्किल पॉजिटिव और नेगेटिव 2 एस्पेक्ट को बताता है, या बोला जाए तो फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो आपको उनमें से चूज़ करना होता है। नेक्स्ट आता है स्टेपल स्केल। स्टेपल स्केल ओरिजिनली डेवलप किया था कि आप किसी भी चीज़ की डायरेक्शन या इंटेंसिटी को मेजर कर सके, एटीट्यूड को देख सके। तो ये मॉडर्न वर्जन में आप सिंगल ऑब्जेक्ट के क्या सब्स्टिट्यूट्स हैं, आप कैसे उनको बाईपोलर ऑब्जेक्ट के थ्रू पेयर कर सकते हैं। तो आपने सिंगल ऑब्जेक्ट को रखा और आप उनको नंबर्स में देखते हैं, हाई फूड क्वालिटी, तो आप उनमें प्लस में जाएंगे या माइनस में, कि पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में आप गए, आपने खाना खाया, तो आप कौन सा रेटिंग देंगे, +4 -4। तो आपको इनमें से चूज़ करना है। तो स्टेपल स्केल में आपको बीच में स्टेटमेंट दिया जाता है और आपको माइनस और प्लस पॉइंट में से किसी एक को चूज़ करना होता है। तो टाइप्स ऑफ स्केलिंग टेक्निक्स के इस वीडियो में आपने पढ़ा कि 2 टाइप्स होते हैं स्केलिंग टेक्निक्स के, कंपेरेटिव और नॉन कंपेरेटिव। कंपेरेटिव के अंदर आपने 4 टाइप्स पढ़े, पेयर्ड कंपेरिजन, रैंक ऑर्डर, कॉन्स्टेंट सम और क्यू शॉट। वहीं नॉन कंपेरेटिव स्केल में 2 कैटेगरीज, कंटिन्यूस रेटिंग स्केल, सेकेंड आता है आइटमाइज रेटिंग स्केल। तो आइटमाइज में 3 कैटेगरीज होती है, लिकर्ड, सेमेंटिक और स्टेपल।
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।